महाराष्ट्र के दूसरे चरण की वोटिंग राज्य की 8 लोकसभा सीटों बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी आदि सीटों पर 26 अप्रैल को होगी। इसी श्रृंखला में आज वर्धा में रामदास तड़स की प्रचार रैली निकाली गई है। इस दौरान हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है रामदास तड़स से। लोकसभा चुनाव की रणबेड़ी जो है बज चुकी है। दूसरे चरण में वर्धा देवी यहां पर जो है लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं और उसके लिए रामदास तड़स यहां से भाजपा के महायुति के प्रत्याशी है। उनसे हम जानेंगे आज आप क्या बताना चाहोगे वर्धा वासियों को, वर्धा क्षेत्र के लोगों को क्या बताना? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में जो काम किया वो कभी कांग्रेस सत्ता में 60 साल रही, जो 60 साल में नहीं कर सका वो 10 साल में यहाँ पे किया है। मेरा संसद क्षेत्र ऐसा है कि वर्धा जिला और अमरावती जिले के दो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें हमारे यहाँ पे नगर परिषद लेके जिला परिषद लेके हमारे MLA सभी भारतीय जनता पक्ष के यहाँ पे है और हमारे ये लोकसभा क्षेत्र में बूथ प्रमुख, शक्ति प्रमुख, वारियस और पन्ना प्रमुख 61,000 है। वो हमारी ताकत है और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया है और हमारे MLA रहे, मैंने खुद में यहाँ पे 15,000 करोड़ का काम ये मेरे सांसद क्षेत्र में किया है और मुझे लगता है ये चुनाव स्पर्धा की नहीं है, एक विकास की चुनाव है। विकास के माध्यम से हम आगे जा रहे हैं। विरोधी पक्ष के पास विकास का एजेंडा कोई नहीं। शरद पवार ने तो विदर्भ को यहाँ के जो प्रकल्प है वो पश्चिम महाराष्ट्र में लेके विदर्भ के किसान लोगों को बहुत अन्याय किया है, इसलिए ये चुनाव में हमारा एक ही मुद्दा रहेगा का हमारा विकास। जो हम यहाँ पे जो नेशनल हाईवे रोड है, हमारे MLA ने जो काम किया है, सभी विकास के मुद्दे पे हम लड़ेंगे और 10 साल में जो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो देश में जो काम किया है उनको लेके हम घर घर में जाके चुनाव जीतेंगे। वर्धा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसी श्रृंखला में वर्धा लोकसभा क्षेत्र से महायुति के प्रत्याशी रामदास तड़स से इनका मुकाबला राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवारगढ़ की अमर काली इनसे है। आपको बता दें कि रामदास तड़स वर्धा देवली लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दो लोकसभा चुनाव का उनका अनुभव रह चुका है। 26 अप्रैल को यह मतदान होना है। रामदास तड़स द्वारा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है तो वही कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। वर्धा में जो है दूसरे चरण में चुनाव होने हैं उसके लिए आज जो है यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। रामदास तड़स यहाँ से प्रत्याशी है, महायुति के वो प्रत्याशी है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है, क्या बताओगे? वर्धा शहर में एक तरफा और एक तरफा मोदी लहर चल रही है। यहाँ पे कोई अमर काड़े या तुतारी का कहीं नामो निशान नहीं है। मुझे तो ऐसा घूमते हुए प्रचार करते हुए ऐसा लग रहा है कि वर्धा शहर में एक तरफा है, जिले में तो है ही पर वर्धा शहर में एक तरफा है। वर्धा नगर परिषद के जो यहाँ का नेतृत्व करते प्रदीप सिंह ठाकुर जी, उनके एक ऐलान से कि भाई एक तरफा जीत होने को होना, वर्धा से पूरी लीड रहेंगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं शहर अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे फिर एक बार मोदी सरकार ही क्यों? मोदी सरकार की जो तरक्कियां है और आगे बढ़ने की जो ये हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। रामदास तड़स के प्रचार रैली में अभिनेत्री रिमी सेन शामिल हुई थी। यह रैली वर्धा शहर के बंजारी नगर से निकली और पूरे शहर में भ्रमण कर रामदास तड़स ने लोगों से संवाद साधा। वर्धा में प्रचार के लिए आप आए हो, क्या बताओगे? वर्धा में मैं पहली बार आई हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे। इलेक्शन का माहौल है और सब जगह प्रचार जारी है और इतने अच्छे अच्छे लोग से मिलने का मौका मिल रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं यही चाहूँगी कि जो भी वर्धा का माहौल है, जैसे भी चल रहा है इलेक्शन, ये BJP के फेवर में जाए और जैसे ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं वैसा अच्छा काम हमेशा करते रहे। यहाँ के जो नागरिक है, यहाँ के नागरिकों को आप क्या बताना चाहोगे हमारे माध्यम?
मुझे ही कुछ पता नहीं यहाँ पे वर्धा के बारे में, पहले मैं एक बार आज घूम लूँ वर्धा, फिर मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ।